कहते हैं सरकार की काहिली और कामयाबी का मजमून देखना है तो सड़कों को देखिए। हाँ हाँ, देखिए इस सड़क को, फिर यूपी के विकास पर इतराना है या पार उतर जाना है ये तय कीजिए। इस सड़क को देखकर यूपी में विकास के तमाम दावे खोखले लगने लगते हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। एक दो नहीं, उत्तर प्रदेश के 3 सबसे खास विधानसभा इलाके की सड़कों का यही हाल है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला एक ऐसा जिला जहां से खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हरदय नारायण दीक्षित विधायक चुनकर आते हैं। एक ऐसा जिला जहां से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज सांसद चुनकर आते हैं। एक ऐसा जिला जहां से विधायक अनिल सिंह बसपा इसलिए छोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं कि उनको विकास करना है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्नाव जिले के साथ ऐसी अनदेखी, ऐसा दोहरापन कि यहां की सड़कों में ना सिर्फ गड्ढे हैं बल्कि यहां पर तालाब खुदे हैं, लिहाजा तमाम सारे लोग जान गंवा बैठे। लेकिन जवाबदेही के नाम पर किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। फिर यहाँ से लेके लालगंज से लेके बिहार तक का है, पूरी लालगंज से लेके थाना बिहार उन्नाव तक यही रोड का हाल है। साक्षी महाराज, हृदय नारायण दीक्षित जैसे धुरंधरों का इलाका है उन्नाव। उस उन्नाव जिले की 2 अहम सड़कों का हाल देखिए। पहली सड़क उन्नाव को रायबरेली से जोड़ती है और दूसरी सड़क मौरवा होते हुए लखनऊ को जाती है। ग्लोबल भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां जहां की सच्चाई दिखाने से दूसरे पत्रकार डर जाते हैं। इन दोनों सड़कों की दूरी तकरीबन 50-50 किलोमीटर की है। सबसे पहले उन्नाव को रायबरेली से जोड़ने वाली सड़क की बात करते हैं। ये सड़क विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के इलाके से होकर जाती है। इस सड़क से गुजरते हुए कमर अगर सही सलामत बच जाए तो ऊपर वाले का शुक्र है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में इतना पानी भरा कि आराम से मछली पाली जा सकती है। उस जनप्रतिनिधि को डूब मरना चाहिए इसी पानी में जिसके अपने इलाके के लोग उसका नाम तक नहीं जानते हों। सड़क टूटे हुए महीनों बीत गए, वादा था कि बरसात से पहले इसे चमचमाती सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन बरसात आने से पहले ही विधायक जी के वादे बह गए। अरे इसको तो बोलने बन जाए तो, लेकिन बनी नहीं रही तो क्या करें हम। अच्छा, कब से खराब है? अरे ये हो गया कम से कम 6-7 महीने के ऊपर हो गया। अच्छा, तो विधायक कौन है यहाँ का? विधायक यही अपना गणेश पंजाबी सिंह है। हाँ, पंजाबी सिंह है। अच्छा, तो बनवा नहीं रहे? नहीं बनवा रहे ना, पूरी रोड का यही हाल है। फिर यहाँ से लेके लालगंज से लेके बिहार तक का है, पूरी लालगंज से लेके थाना बिहार उन्नाव तक यही रोड का हाल है। हाँ जी। अब जरा दूसरी सड़क का हाल देखिए। इस तस्वीर को सजो कर रख लीजिए, शायद यूनेस्को को भेजकर ऐतिहासिक धरोहर में शामिल करवाने के काम आएगा। भागीरथ तो स्वर्ग से धरती तक गंगा को लेकर आए थे, लेकिन धन्य है योगी सरकार जो तालाब को साक्षात सड़क पर उतार ले आई। इस सड़क से गुजरना तो कीचड़ में सन्ने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग कैसे आते जाते हैं इसकी तस्वीर देखेंगे तो यूपी के विकास को लानत भेजने का मन करेगा। ये उन्नाव जिले की पूर्वा विधानसभा की सड़क है। विधायक हैं अनिल सिंह। ये सड़क पूर्वा मौरवा होते हुए मोहनलालगंज लखनऊ को चली जाती है। 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 300 करोड़ की ये सड़क है। 18 महीने में इसका काम पूरा होना था। अखिलेश सरकार के दौर में ही इसका काम शुरू हुआ। सरकार बदली तो टेंडर भी बदल गया, सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई, हरियाणा की गावर कंपनी को इसका ठेका दिया गया। 18 महीने कब के बीत गए, विधायक अब बरसात का बहाना लेकर बैठे हैं। हमने जिस ठेकेदार को सरकार ने जो टेंडर दिया था जी। वो गावर कंपनी है बाहर की जी। अच्छी कंपनी है, रिपुटेशन उसका अच्छा था, तो हम लोगों ने भी कुछ बोला नहीं जी। और उसका टाइम पीरियड अभी 18 महीने का था जी। काम बनाने तक का तो उसका भी टाइम पीरियड बकाया है। अच्छा, वो रोड कॉमन सेंस है कि जब कोई चीज घर, जैसे हम घर बना रहे हैं और घर बनाते समय मान लो बीच में बारिश आ जाए, गर्मी आ जाए, धूल आवे, तो ये आनी आनी स्वाभाविक है जी। उसी तरीके से रोड है, रोड को पूरा खोद कर 20 सालों से बहुत समस्या थी। सकरी रोड थी, वहाँ पे दोनों आमने सामने से एक्सीडेंट हो जाते थे, लोग मर जाते। रोड है सर? ये 48 किलोमीटर की रोड है जी। कितने का बजट रखा? और इसका बजट 300 करोड़ का है। प्रशासन अभी भी बैठक बैठक खेलने में लगा है। डीएम ने हाल ही में ठेकेदार को बुलवाया और दावा है कि क्लास लगाई गई, जिसके बाद ठेकेदार एक और नई तारीख चिपका कर चला गया। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वर्ल्ड बैंक के जो ये तहत रोड बन रही है, इसके एक्सचेंज साहब को बुलवाया था और पिछले
सरदार जो इसमें बैठक की गई थी उनके एक्शन भी आए थे और उनकी पूरी जो कार्यदायी संस्थाएं थी और जो उनके ठेकेदार थे उनको भी बुलवाया गया था और उनको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि इसको टॉप प्रायोरिटी लेकर काम कराएं और उनके एक्शन द्वारा और ठेकेदार द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि चूँकि बरसात थी और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है लेकिन इसको समय रहते इस हिसाब से कर देंगे कि वो मोटरेबल हो जाए और जो आम जन को जो दिक्कतें होती है वो न होने पाए। ये सड़क कई हादसों का गवाह है, लोग गिरते हैं, गाड़ियां पलटती हैं, ऑटो रिक्शा कई बार हादसे के शिकार हुए, कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी, लेकिन यूपी में तो जान सस्ती है। कहां है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो गड्ढा मुक्त सड़कों के बड़े बड़े दावे करते थे। उन्नाव की आवाम इस सड़क की तस्वीर उपहार में देना चाहती है उन्हें, ताकि जब भी अपनी सरकार की कामयाबी का पागलपन दिल दिमाग पर हावी हो, मौर्य साहब ये तस्वीर देख ले, सारा भ्रम चकनाचूर हो जाएगा।